नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग के M11 फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का M सीरीज जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी सीरीज है। इसमें आपको काफ़ी मिड रेंज के फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों जो M सीरीज है दोस्तों, इसके दोस्तों जो फ़ोन होते हैं इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं कम प्राइस के अंदर। तो दोस्तों इस M11 में दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है जो दोस्तों 1500 MB का है, यानी 150 GB तक का एवरेज अपडेट है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि एक नया अपडेट हमारे फ़ोन में आया है तो फटाफट से वीडियो को बंद करके उस अपडेट की तरफ चले जाते हैं। बट दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जैसे दोस्तों आपको कुछ इसकी परेशानी जो है वो समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी स्मार्टफोन होते हैं जिनमें दोस्तों हमें नए अपडेट देखने को मिलते हैं, बट जैसे ही दोस्तों अपडेट हो जाता है हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे फ़ोन में कुछ नई कमियाँ आने लगती हैं। और दोस्तों फिर हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में पुराना वाला अपडेट आया जो पहले था, बट दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों टाइम लगता है और उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो दोस्तों वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं पुराने वाले। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे दोस्तों आपको समझ में आ सके कि दोस्तों जो नया अपडेट आया है इसमें आपको क्या नया देखने को मिलता है, क्या कुछ देखने को मिलेगा और दोस्तों क्या क्या कमियाँ आपके फ़ोन में आने वाली हैं इस अपडेट को करने के बाद। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आपको वो अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल में पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सैमसंग के M11 में एंड्रॉयड 11 और वन UI 3.1 का अपडेट आ चुका है। बट दोस्तों ये जो अपडेट है ये 1.5 GB तक का अपडेट है और आपको पता ही होगा कि सैमसंग का M11 जो फ़ोन है दोस्तों जो काफ़ी मिड रेंज फ़ोन है, काफ़ी सस्ता फ़ोन है जिसमें दोस्तों आपको सिर्फ HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। बट दोस्तों सैमसंग की M सीरीज का एक नया फ़ोन है, इसलिए दोस्तों इसके अंदर एंड्रॉयड 11 का अपडेट दे दिया गया है जो दोस्तों हमें फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलता है, और बन यूआई 3.1 जो दोस्तों हमें सैमसंग की S सीरीज में देखने को मिलता है वो इसमें दे दिया गया है। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है, क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ोन है नया लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, इसलिए दोस्तों इसके अंदर हमें अपडेट दे दिया गया है। बट दोस्तों क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए, देखिए दोस्तों अगर आपको नए नए फीचर चाहिए अपने फ़ोन में और आपको जो बक्स मिलते हैं अपडेट के बाद आपको उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है तब आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ये जो फ़ोन है M11 ये एंड्रॉयड 11 और वन UI 3.1 को सपोर्ट करने लायक नहीं है। ये जो फ़ोन दोस्तों ये काफ़ी हल्का फ़ोन है, जो ये अपडेट आए हैं दोस्तों इनको सपोर्ट करने लायक नहीं है, बट फिर भी कंपनी दे रही है इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये फ़ोन है इसमें भी हमें नए नए फीचर देखने को मिले। तो दोस्तों देखिए, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आप बिना टेंशन कर सकते हो, क्योंकि 1.5 GB का अपडेट है, एक दिन में आराम से हो जाएगा, इतना नेट आपको मिलता है, डाटा मिलता है। बट दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में दोस्तों देखिए हीटिंग प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी बैटरी जो दोस्तों पहले चलती थी पूरे दिन वो दोस्तों उसमें दोस्तों कुछ कमी आ सकती है, यानी दोस्तों 1-2 घंटे का बैटरी वगैरह कम हो सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपका फ़ोन लैगिंग कर सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड 11 तो दोस्तों कहीं तक ठीक है बट वन UI 3.1 ये दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है। बन हुई 3.1 जो दोस्तों हमें फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलता है, अब वो आपको मिल रहा है एक छोटे से फ़ोन में, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी बैटरी को लेके, कि इस फ़ोन की बैटरी पहले से कम चलने वाली है और शायद दोस्तों चार्जिंग में भी टाइम लगे, जैसे दोस्तों सैमसंग के F41 में लगा था कि पहले उसकी बैटरी काफ़ी चलती थी बट अभी आपने देखा होगा जब से उसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया तब से दोस्तों उसकी बैटरी पहले से ज़्यादा टाइम लेती है चार्ज होने में और चलती भी कम है। तो दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ कमी आ सकती हैं, अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 1500 GB तक का अपडेट है, आप डिस्प्ले दे सकते हो, आप इसे कर सकते हो, आपके फ़ोन में नए फीचर आ जाएंगे जो दोस्तों आपको एंड्रॉयड 11 और वन यू 3.1 में देखने मिलते हैं सैमसंग के। और फ़ोन में सेम वही फीचर आपके फ़ोन में आने वाले हैं, बट आपको याद रखना है कि ये जो कमियाँ मैंने आपको बताई हैं डिस्प्ले को लेकर, हीटिंग को लेकर, चार्जिंग को लेकर, बैटरी को लेकर, ये दोस्तों आपके फ़ोन में डेफिनेटली आने वाली हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो अपडेट है आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।